हेलो एवरीवन, एसएससी सिलेक्शन फॉर फेज 12 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और अभी सभी बच्चों का एक कॉमन डाउट है कि भाई किस जोन से फॉर्म भरें, कहाँ ज़्यादा वैकेंसीज हैं, क्योंकि इस पोस्ट में क्या है, इस एग्ज़ाम में क्या है कि जो वैकेंसीज हैं बहुत सारी हैं, 489 वैकेंसीज हैं, तो सभी अभी यहाँ पर इसी डाउट में हैं कि किस जोन को प्रेफर किया जाए। तो आपका इस वीडियो में सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ग्रेजुएट लेवल हैं, या फिर आप मान लीजिए एसएससी कैटेगरी से हैं और मेट्रिकुलेशन के लिए भरना चाहते हैं और आप कन्फ्यूजन में हैं कि कौन सा जोन प्रेफर करना है, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहो तो आपके सारे के सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 को लेके। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैथ में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया है और माई पाठशाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, मैंने आपके लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो कि कैटेगरी वाइज, अगर आप जनरल से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, कैटेगरी वाइज यहाँ पर इन पोस्ट को मैंने बांट दिया है, रीजन वाइज बांट दिया है, ठीक है ना, चाहे मेरा सेंट्रल रीजन हो, नॉर्दर्न रीजन हो, सारे रीजन वाइज भी बांट दिया है और लेवल वाइज भी बांट दिया कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल हो, हायर सेकेंडरी हो, मेट्रिकुलेशन हो, सब कुछ यहाँ पर अरेंज मैंने आपके लिए किया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप मेरे साथ देखो, आपको मैं सारा कुछ यहीं पर बताऊँगा, सारी की सारी आपकी, मैंने जैसे बोला था कि आपके सारे डाउट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए, अगर आप ग्रेजुएट लेवल से फॉर्म भर रहे हो, तो मान लीजिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, तो यहाँ पर देखो मैंने इसको ग्रीन से मार्क किया हुआ है ना कि सेंट्रल रीजन में ग्रेजुएट लेवल के लिए यूआर कैटेगरी की 170 वैकेंसी है। इसी तरह से टोटल वैकेंसी यहाँ ग्रेजुएट लेवल की कितनी है, 234, मतलब ग्रेजुएट लेवल की सेंट्रल रीजन में ठीक ठाक वैकेंसी है। तो अगर आप ग्रेजुएट लेवल से हो तो आप सेंट्रल रीजन को प्रेफर करो। इसी तरह से ईस्टर्न रीजन की बात करूं तो ईस्टर्न रीजन में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 77 ग्रेजुएट लेवल की हैं और टोटल होकर के वो 142 हैं। अब यहाँ पर मैं ग्रेजुएट लेवल के लिए मैंने आपको दो रीजन बताए, अब आप नीचे देखोगे तो नॉर्दर्न रीजन में ग्रेजुएट लेवल की 213 वैकेंसी हैं और टोटल कितनी है यहाँ पर, 447, मतलब यूआर कैटेगरी में तो 213, टोटल यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को मिला के कितनी, 447, मतलब ठीक ठाक वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल की नॉर्दर्न रीजन में है। तो अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म भर रहे हो तो नॉर्दर्न रीजन को प्रेफर करोगे, ठीक है ना, और अपना सेंट्रल रीजन और ईस्टर्न रीजन को प्रेफर कर सकते हो। इसी तरह हम बढ़ेंगे अब आगे हायर सेकेंडरी की तरफ। चलो, हायर सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो फिर से अगर आप ईस्टर्न रीजन को देखोगे तो यहाँ पर 77 वैकेंसी है, अगर 75 वैकेंसी, और हायर सेकेंडरी की बात करोगे तो ईस्टर्न रीजन में तो 75 हो गई, ये मैंने यहाँ पर्पल से मार्क किया हुआ है। इसी तरह आप और रीजन में देखो, चलो ठीक है ना, नॉर्दर्न रीजन में 76 वैकेंसी हैं हायर सेकेंडरी के लिए यूआर कैटेगरी में और टोटल यहाँ पर कितनी है, 145, इसका मतलब हायर सेकेंडरी में आप नॉर्दर्न रीजन को भी अच्छे से प्रेफर कर सकते हो। नॉर्दर्न रीजन में ओवरऑल ठीक ठाक वैकेंसी दिख रही है, सारी किसी भी कैटेगरी की बात करूँ, और नॉर्दर्न रीजन में आपकी कौन कौन सी स्टेट आ जाती है, दिल्ली आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, चंडीगढ़, यहाँ पर आपकी जॉब रहने वाली है नॉर्दर्न रीजन से। चलो, हायर सेकेंडरी की बात करते हुए आगे देखते हैं तो हायर सेकेंडरी में वेस्टर्न रीजन में यहाँ 25 वैकेंसी है और टोटल यहाँ 57 है। तो अगर आप हायर सेकेंडरी से भर रहे हो तो नॉर्दर्न रीजन को प्रेफर करो, ईस्टर्न रीजन को आप प्रेफर करो, ठीक है, और वेस्टर्न रीजन को भी प्रेफर कर सकते हो। इसी तरह अब मैं बढ़ूंगा मेट्रिकुलेशन की तरफ। जी हाँ, अगर आप 10th पास हो तो आपको क्या प्रेफर करना है, चलो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर पिंक कलर से आप यहाँ पर देखोगे तो मेट्रिकुलेशन में ईस्टर्न रीजन में कितनी वैकेंसी दिख रही है यूआर कैटेगरी में, 39, ठीक है ना, और टोटल यहाँ पर 78 दिख रही है। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न रीजन में मेट्रिकुलेशन की 55 है और यूआर कैटेगरी में और टोटल है 106, इसका मतलब नॉर्दर्न रीजन में, जैसा मैंने आपको बताया कि सभी जो हमारे लेवल हैं उसकी ठीक ठाक वैकेंसी नॉर्दर्न रीजन में पाई जा रही है। और वेस्टर्न रीजन में आप देखोगे तो मेट्रिकुलेशन की 46 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में और टोटल 93। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ओवरऑल देखो, किसी भी आप जो है लेवल पे बनना चाह रहे हो और कोई भी आपकी कैटेगरी है, तो नॉर्दर्न रीजन आप प्रेफर करोगे तो अच्छा रहेगा। ईस्टर्न रीजन में भी ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पर है और सेंट्रल रीजन में भी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो ये तो था, ठीक है ना, सारी की सारी वैकेंसी कैटेगरी वाइज और लेवल वाइज भी मैंने आपके लिए यहाँ पर अरेंज कर दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, आपके बहुत काम आने वाली है ये पूरी की पूरी टेबल जो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए अरेंज की है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ,
वो ये कि हमने अपना सिलेक्शन बोर्ड फेज 12 का जो बैच है वो लॉन्च कर दिया है। अगर अभी तक आपने इस बैच के बारे में नहीं जानकारी है तो अब आप जान लो, ये बैच हमने सिलेक्शन पोस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। यहाँ पर आपको सारा का सारा जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इस बैच के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं देखो, आप चैप्टर वाइज हैं, वीडियो लेसन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आप जो वीडियो मिलेगी वो आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। क्लास नोट्स और प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी और प्रैक्टिस सेट साथ साथ एग्जाम को सिलेक्शन पोस्ट को जो है फोकस में रखते हुए बनाए गए हैं। इस बैच को खरीदने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं तो ये बैच वैसे तो दो मतलब कितने का है, 1200 रुपये का है। ये बैच वैसे कितना है, 1200 का है, 1200 का है। लेकिन अगर आप A10 यहाँ पर कोड यूज़ करोगे तो ये बैच आपको केवल केवल 300 रुपये में पड़ जाएगा, ठीक है। इस बैच की यही सारी खास चीज़ें हैं। और यहाँ पर और एक खास बात यह है कि इसकी वैलिडिटी तो चलो 3 मंथ की हुई, ठीक है। और यहाँ पर सारे के सारे आपके सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में अभी आपको लग रहा है मेरा वीक है, मान लो आपको लग रहा है जीएस अभी वीक है, तो इतने कम टाइम में जीएस करने के लिए यही बैच आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। मात्र 300 रुपये में आपको ये बैच जो है यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। सारे के सारे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट है। जैसे आप देखो ज्योग्राफी या हिंदी में आपको मिल जाएगी, ठीक है, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। आप माई पाठशाला की ऐप पे जाओगे तो आपको सारा का सारा कंटेंट सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 को लेकर के आराम से मिल जाएगा। आप ये बैच लेकर के अपनी तैयारी मजबूत करो और सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू अपनी जॉब सुनिश्चित करो, मैं यही यहाँ से आपसे कहूँगा। और मैथ की जो हम डेली प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर लाइव करते ही हैं सुबह 10 बजे, वहाँ बच्चे बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। आप भी सुबह लाइव रहा करो मेरे साथ, सुबह 10 बजे हम प्रैक्टिस करते हैं। 25 क्वेश्चन का जो सेट रहता है वहां पर, उसमें हम सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसको आप मिस मत करा करो। सुबह 10 बजे मेरे साथ लाइव करा करो और 2024 में सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू अपनी जॉब पक्की करिए आप लोग, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।